देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। धनवंतरी नगर से गायब हुए छात्र की लाश ट्रेन की पटरियों में मिली, जिसे पुलिस ने लावारिस समझकर दफना दिया था। इसकी जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने कलेक्टर को आवेदन देकर बच्चे के शव का पीएम दोबारा कराने का निवेदन किया है। कलेक्टर के निर्देश पर दोबारा पीएम होगा। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। धनवंतरी चौकी प्रभारी सतीश झारिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जगन्नाथ सोनी पिता मुलायम सोनी 49 साल निवासी वार्ड नंबर 1 शाहपुरा भिटोनी ने बताया है कि उनका 17 वर्षीय बेटा 10वीं में अध्ययनरत है, जो धनवंतरी में रहता है और अपनी पल्सर बाइक लेकर निकला था, लेकिन घर न पहुंचा और ना ही जबलपुर में है। यहां तक कि इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी थी। वहीं पूरे मामले में परिजनों का आरोप है कि संजीवनी नगर थाना पुलिस द्वारा मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं भेड़ाघाट थाना पुलिस द्वारा मामले में लापरवाही बरतते हुए बच्चे के शव को दफनाया गया, इसलिए उन्हें लग रहा है कि बच्चे की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करके रेलवे ट्रैक पर फेंका गया है। इसलिए पूरे मामले की जांच निष्पक्ष और बारीकी से की जानी चाहिए, नहीं तो परिजनों द्वारा भविष्य में मामले को लेकर उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। दिनांक 1 तारीख को एक नाबालिग बच्चा राज सोनी के गुमने की रिपोर्ट थाना संजीव नगर में दर्ज कराई गई थी, जिसकी बाद में तलाश करने पर पाया कि थाना भेड़ाघाट में एक बच्चा जो है अज्ञात में बॉडी मिली है। तो परिजनों के द्वारा तस्दीक होने पर आज पुनः उसका परिजनों के चाहने पर आज पुनः श्रीमान कलेक्टर महोदय की अनुमति के बाद में रीपीएम हो रहा है। बच्चा जो है रेलवे ट्रैक से कटा हुआ मिला था, जिसकी आगे की कार्रवाई थाना भेड़ाघाट द्वारा की गई थी।